Alright, so what's up guys? This is yours guys, my Oof Jidan Vlogs. Welcome back to my channel. Assalamu alaikum, namaste, kamcho. So guys, मैं बहुत टाइम बाद YouTube पे एक्टिव आया हूँ और मैं फाइनली ब्लॉग की सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जो टोटल मैं 6 पार्ट में बनाऊंगा। और आज फ्राइडे है तो जुम्मा की नमाज हो चुकी है, 4 बजे निकलने वाले हैं। मैं बताना भूल गया मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ मुंबई। जी हाँ गाइस, मैं जा रहा हूँ मुंबई। बहुत टाइम की बात नहीं, अभी मैं नवंबर में 2021 में ही गया था, तो अभी मैं फिर से जा रहा हूँ। समर वैकेशन में फिर घूमने जा रहा हूँ, उसका कोई शूट वगैरह कुछ नहीं है, तो बस इतना ही। अभी हम सीधा रेलवे स्टेशन में जाके मिलते हैं। तो अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि 6 पार्ट आने वाले हैं। तो मिलते हैं सीधा बहुत रेलवे स्टेशन में जाके। सो फाइनल गाइस, मैं बहुत रेलवे स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। मेरे साथ कोई आने वाला है, मिस्टर साहिल पटेल, और ट्रेन में हमने खाने के लिए कुछ लिया है। ये क्या है? गार्लिक स्टिक। गार्लिक स्टिक। और ये मेरा फेवरेट चिकन स्टफ फ्राइज है मेरी ये। और ये गार्लिक स्टिक चार कितना खाता है? सबकी है। अच्छा, सबकी है। तो गाइस, अभी ट्रेन 10 मिनट लेट है, तो अभी हम रेलवे स्टेशन पे थोड़ा वेट करते हैं। अभी शायद वडोदरा आई होगी, 20 मिनट में आने वाली है ट्रेन, तो वेट करते हैं नीचे। ये हमारे साहिल भाई यूक्रेन से आए हैं, अभी इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो गाइस, हमारे साथ और एक बंदा आने वाला है, ये मोटू। बढ़िया था गुरु। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? गाइस, आपको ट्रेन की डिटेल देता हूं। ये ट्रेन का नंबर है 12010, जिसका नाम है MMCT शताब्दी एक्सप्रेस, जो डिस्पैच होती है 2:05 पे गांधीनगर से। तो ये ट्रेन का भोज का टाइम है 5:22 पे, और 9:45 पे हमें मुंबई पहुँचाती है। ये हमारी सी बच्ची हमारे सीट के पास आई है। अरे मुँह तो दिखा दो अपना। हेलो। ये ट्रेन टोटल गांधीनगर से अहमदाबाद, नदिया, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, बोरीवली और मुंबई सेंट्रल, ऐसे केवल 8 स्टॉप है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, ये ट्रेन के रेट की बात करूँ तो हमको 1,000 से 1,100 के बीच में पड़ी है, और जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन स्पीड के मामले में नंबर 1 है। तो गाइस, इतने रेट में फूड इंक्लूड है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में बताया फूड इतना खास नहीं था कुछ। अभी डिनर आ रहा है, मैं आपको डिनर दिखाता हूँ कैसा है, लेकिन स्नैक्स इतना अच्छा नहीं था। सो फाइनल गाइस, हमारा डिनर आ चुका है। मेरा डिनर शताब्दी एक्सप्रेस में साहिल भाई के साथ। क्या खा रहे हो? पनीर खाते हुए हमारे साहिल भाई, और साथ में अनलीगली ओरियो बिस्किट। अनलीगली ओरियो बिस्किट है साथ में। सॉरी इनलीगली ओरियो बिस्किट। ये कुछ नया सुमूल का दही है, सुमूल का योगर्ट है ये।
आप देख सकते हो सुमूल स्कीम्ड मिल्क दही। नॉर्मली हम अमूल का खाते हैं खाने के साथ, ये है सुमूल का दही। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। क्या बोलते हो सुमूल दही? अपडेटेड वर्जन है ये सुमूल दही। और ये है पनीर की सब्जी, देखते हैं कैसी होती है। स्नैक्स तो इतना अच्छा नहीं था, हम डिनर में देखते हैं क्या अच्छा होता है। तो गाइस फाइनली हमने खाना ओपन कर लिया है। ये है पनीर की सब्जी, ये है दाल जो है कढ़ी जैसी, और ये है राइस वाइट राइस, और ये है थेपले जैसी रोटियां बड़ी बड़ी, और हमारे साथ है ओरियो। और ये साहिल भाई अच्छे से पनीर की सब्जी दबा के खाते हुए, और साथ में क्या है, कुछ ओपन नहीं किया है। कैसी है रोटी, आपका रिव्यू? ठीक ठाक है रोटी, थेपले जैसी रोटियां। सो गाइस फाइनली सता डिनर आया था, और हमने बहुत बुरी तरीके से मैंने दाल के बगैर राइस खाया। सेम चीज़ जैसे स्नैक्स में मज़ा आया था, ऐसा डिनर में मज़ा आया है हमको। क्या बोलते हो, कैसा लगा साहिल भाई आपको? ठीक। तो भाई ये है पनीर की सब्जी, आप देख ही सकते हो, और ये दाल है राइस, तो आप देख सकते हो दाल कैसी है। आपको देख के ही लग गया होगा कैसा टेस्ट होगा इसका। और राइस जो मैंने ख़त्म कर दिया है बिना दाल के, और ये था दही जो मैं खा गया हूँ, और ये रोटी। आइसक्रीम वाले बाबू थैंक यू। थैंक यू बोला साहिल भाई, मुझे नहीं। तो ये है, ये भी सुमूल नहीं, ये तो अमूल की है। फाइनली अमूल, अरे ऐसे फाइनली अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। फाइनली हमको अमूल की आइसक्रीम मिल चुकी है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो फाइनली गाइस हम मुंबई सेंटर पर पहुंच चुके हैं, रात के 10 बज गए हैं। तो सबसे पहले हम रूम पे जाएंगे, हमारा रूम ऑलरेडी ऑनलाइन बुक किया हुआ है। हम डिनर करने जाएंगे मुंबई वाली रोड पे, तो आज दबा के खाने वाले हैं फिर से। और तो सीधा मिलते हैं रूम में जाके। साहिल भाई क्या कर रहे हो? स्टोरी, मेरी स्टोरी देख रहे हो? तो देखते हैं रूम कैसा है। बढ़िया है, एसी वाला रूम है ये, एसी अच्छा चल रहा है एलजी का। और अब तो वाईफाई का भी सिस्टम आ गया है, लेकिन पता नहीं पासवर्ड अभी नहीं मिला है। ये है हमारा कमरा। अभी वीडियो देखा हमने, सबसे पहले आके ही यहाँ पे रूम का नुकसान कर दिया है। लेकिन ऐसे ही सोने गया तो टूट गया वो, पता नहीं एक दिन के लिए ये रूम हमको मिला हुआ है, तो कोई कंप्लेन करेगा तो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मुझसे टूट गया है ये। ऐसे ही अच्छे से सोने गया था, अच्छे से नहीं लेकिन थोड़ा स्टाइल में ज़ोर से सोने गया था, और ये सीधा टूट ही गया। आप देख सकते हो, फिर से आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैं आपको फिर से दिखाता हूँ क्या हुआ है। देख सकते हो आप, पता नहीं क्या हुआ था एग्जैक्टली, आपको पता है क्या हुआ था? A few moments later. गाइस हम रूम पे आ चुके हैं, रात के 1 बज रहे हैं, और मैं व्लॉग खत्म कर रहा हूँ अभी। फाइनली डे 1 का व्लॉग यहाँ पे खत्म होता है, डे 1 का भी पार्ट 1 भी जा रहा हूँ सोने। फाइनली व्लॉग भी एंड करने का टाइम हो चुका है। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़्यादा भी फॉलो करो, नेम यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और मिलते हैं सीधा नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में कुछ अच्छे से कौन सी जगह पे जाने वाले मुझे अभी पता नहीं है। दूसरे व्लॉग में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।